राम नवमी के उपलक्ष्य में मां बृजेश्वरी देवी, ज्वालामुखी देवी व चामुंडा देवी व धर्मशाला स्थित कुणाल पथरी में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। वहीं श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर बारी बारी माता के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिरों में कन्या पूजन भी किया गया। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में मौजूद कन्याओं को पूजा और सुख शांति की कामना की। वहीं आज अंतिम नवरात्र पर मंदिरों में हवन यज्ञ भी हो रहे हैं। ये चैनल की धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। जहाँ पर आप उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, खड़े हैं, ये माता कुणाल पथरी जी का मंदिर है। यहाँ पे माता जी का कपाल गिरा था जो शक्तिपीठ में आता है। ऊपर कपाल का आकार है, नीचे पिंडी का स्वरूप है और इस कपाल के अंदर जो जल है बारिश का जल आता है। ऊपर से छत खुली है, जब बारिश होती है डायरेक्ट बूंदे गिरती हैं। 12 महीने ऐसे रहेगा ये जल, ना गलेगा ना सड़ेगा ना स्मेल पड़ेगी। गंगा जल की तरह पवित्र रहता है ये जल। और इस जल के काफ़ी फायदे हैं, जैसे कैंसर, पथरी, चर्म रोग इत्यादि, जो भी इस जल का पान करेगा उससे सभी ठीक होते हैं। आप जब इस उपस्थित नवरात्रों में यहाँ पर पधारे हुए हैं, आज नवा नवरात्रा है, सिद्धिदात्री माता जी का नवरात्रा है, जो कि शंकर भगवान जी ने 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी और 9वीं सिद्धि जब उन्होंने प्राप्त की थी, अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर लिया था, जो सिद्धिदात्री के नाम से विख्यात हुआ था। और यहाँ पे आज नवरात्रे के 9वें दिन में काफ़ी तादाद में संख्या में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, पधार रहे हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और माता जी का सुफल प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय माता जी।